नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग कक्षा सात छठवीं सातवीं और कक्षा आठवीं की सभी बुक्स हम लोग देख चुके हैं। कक्षा नौवीं की बुक्स में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति पृष्ठ, समकालीन भारत पृष्ठ ये दो बुक्स देख चुके हैं। ये आपकी कक्षा नौवीं की तीसरी बुक है, अर्थशास्त्र कक्षा नौवीं की। ठीक है, याद रखिए जो कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक की बुक्स थी आपकी, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई थी। और वहाँ शब्दों की परिभाषा, यानी कि कोई भी शब्द है आपका, तो उसकी जैसे पर्यावरण है आपका शब्द, तो उसकी परिभाषा शब्द समझाने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ी जाती थी। यानी कि हमारा पर्यावरण शब्द क्लियर हो जाता था उस कहानी को पढ़कर। लेकिन जो 9 से 12वीं की बुक्स हैं आपकी, इनमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और ये भी बहुत साधारण शब्दों में लिखी हैं। अगर आप लोग अच्छे धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ सुनना है। याद रखिए, फिर से बता देता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्या है? जरूरी है, और बहुत ही जरूरी है। बिना एनसीईआरटी बुक्स पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। अगर आप गलत फहमी में जी रहे हैं तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो स्टेट पीसीएस लिखने में भी आपको बहुत सावधानी होगी, यानी कि आपके लिए ये उपयोगी होंगी सब जगह। तो एक किसी पर्टिकुलर श्रेणी के लिए आपकी बुक्स नहीं है कि मतलब कोई कक्षा 9वीं का बच्चा ही पढ़ सकता है। मैं तो कहता हूँ जो भारत में रहता है उन्हें इन बुक्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अब बताओ संविधान के बारे में बताया गया है, किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन से आपके अधिकार हैं, कौन से मूल अधिकार हैं। आप इंडिया में रह रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आखिर अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या देखना है। उसके बाद आपकी दो बुक्स और बचती हैं कक्षा 9वीं की, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वो इनसे संबंधित आपके चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी चैप्टर लेक्चर लिए हुए हैं हमारे द्वारा, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। पूरा वह आपका एनसीईआरटी का पूर्ण कवरेज कक्षा छठवीं से 12वीं तक। ठीक है, तो ये आपकी विषय सारणी जो जो पढ़ना है, विषय सामग्री। तो अध्याय एक में बात करेंगे हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। तो पहला चैप्टर आपका क्या होगा, पालमपुर गांव की कहानी। अध्याय दो में हम लोग बात करेंगे संसाधन के रूप में लोग परिवार करते हैं। तीसरे अध्याय में बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती, और अध्याय चार में हम लोग बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। इस तरह हम लोग चार अध्याय देखेंगे आपके, ठीक है, इस बुक्स में आपके चार अध्याय होंगे। तो यहाँ भारत का संविधान दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। जो आपका भारत का संविधान है, जो आपकी फर्स्ट बुक थी कक्षा 9वीं की फर्स्ट बुक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, लोकतांत्रिक राजनीति पूरी आपकी इसी उद्देशिका पर के आसपास इसकी कहानी घूमती हुई है। ठीक, पूरा संविधान का निष्कर्ष कह लीजिए आपका उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को हिद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित कर दे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो आपका संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसमें
उस दिन लागू हुए थे, लेकिन संपूर्ण रूप से आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चंस कोई पूछता है इंटरव्यू में तो बता दीजिए कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसके लागू हुए थे, और संपूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरह से। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र के क्या क्या पढ़ना है जान लिया। आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहले अध्याय के बारे में, पालमपुर गांव की कहानी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों पहला चैप्टर बात करनी थी। पहला चैप्टर आपका क्या है, पालमपुर गांव की कहानी। याद रखिए एक बात आप लोग हमेशा, कि कक्षा 6वीं से जो कक्षा 8वीं तक हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स देखी हैं वो जरूरी हैं आपके लिए, आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। तो याद रखिए कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं ये लेकिन बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप, एक समय हो सकता है कि बैकग्राउंड अच्छा हो आपका तो आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बुक्स को छोड़ दें, लेकिन 9 से 12 किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पालमपुर गांव की कहानी की को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े धैर्य के साथ आपको पढ़ना है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव यानी कि पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे आपका लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे साहिबपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे आपकी मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रैक तक देखे जा सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपके यहाँ अभी भी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी चलती है, कोई ऐसा हो जो अभी भी देखता हो इस तरह की, क्योंकि यह अधिकतर क्षेत्र में बंद हो चुकी है। आगे बात करते हैं, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ये आप लोग अधिकतर जगह देखते हैं कि अधिकांश भूमि के जो स्वामी होते हैं आपके हैं वो उच्च जाति के ही होते हैं। उनके मकान चिन्ह से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित एससी के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनसे कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका प्रयोग उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। देखिए ये आपका बैलगाड़ी इस तरह से। चलिए अब कम से कम किताबों में ही देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द बचे हुए हैं और कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं जो केवल किताब में हैं। जैसे आप नेता को ले लीजिए, वफादारी को ले लीजिए, इज्जत को ले लीजिए, ये किताबों में अच्छे लगते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में खत्म है बैलगाड़ी।
एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्न उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हमें उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने की बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है आपकी भूमि की तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता होती श्रम की, जो लोग काम करेंगे वहां। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है आपकी पूंजी, भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं। याद रखना, आप किसी भी का, जैसे आप कृषि का उत्पादन कर रहे हैं तो किसी के लिए आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी उत्पादन हो, कोई कंपनी लगा रहे हैं, कोई भी हो एक्सपायर, तो सबसे पहले वहाँ आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी वहाँ, इस तरह पानी हो गया, खनिज हो गया, फिर आपको उस पर खेती करने के लिए श्रम की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की पड़ेगी कि नहीं, और फिर भौतिक पूंजी भी की जरूरत पड़ती है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान के कहल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे आपका जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर आपका कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। याद रखा करिए। क्या याद रखना है? औजार, मशीन, भवन को क्या कहते हैं? इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नगद पैसे को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। यहीं से आपका अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य यानी कि मजबूत आधार, मजबूत होने की प्रणाली चालू होती है आपकी। औजार, मशीन, भवन को स्थायी पूंजी, कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपका स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मानव पूंजी ना होती तो कुछ भी ना होती। मानव संसाधन नहीं होते तो कुछ भी नहीं होते। सबसे बड़ा विकसित देश होने का, किसी भी देश का विकसित होने का मेन पर्पज, उसका मतलब उद्देश्य उसमें शामिल रहता है मानव पूंजी। देखिए, आपका जापान दो परमाणु हमला झेलने की बात भी विकसित देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहां के लोगों की मानव संसाधन बहुत तड़ी है, यानी कि मानव पूंजी शक्तिशाली। क्षेत्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक, उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हमें उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है? याद रखिए। पालमपुर में खेती,
भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन का प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि से श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, और पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कुछ कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है? यहाँ पढ़ ली, भूमि मापने का की मानक इकाई होती है हेक्टर। यद्यपि गांव से भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र के फल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ठीक है, कहीं कहीं 2.5 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर बराबर कहीं कहीं 3 बीघा भी होता है। ठीक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है? जैसे आपके यहाँ 10 साल पहले वही उसी भूमि पर पैदावार होता रहा है, अब उसी पर अधिक पैदावार उत्पादन हो सकता है, ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकता है? चलिए इसे भी देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देख करते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम यानी कि रवि के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में साहिबपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, इसका मुख्य प्रभाव यहाँ पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक की मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। भारत में सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके भी विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है, इसीलिए हमारी फसल को, हमारी कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि उसी पर निर्भर रहती है अधिकतर कृषि। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध मतलब एक से अधिक फसल उगाना, बहु का मतलब होता है एक से अधिक। आपने सुना होगा बहु विवाह, बहुल, समझ में आया? यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसानों कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ये आपका गेहूं हो गया, देख लीजिए, ये आपका बाजरा है, ये आपका गन्ना है, इस तरह से आपका आलू होता है।
ठीक है। देख लीजिए संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्रफल 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टर था, जो 2014-15 में 155 मिलियन हेक्टर हो गया बढ़कर। ठीक है, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को पढ़ सकते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़ों से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक ही धरती पर अलग अलग फसलें। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, हरित क्रांति। समझ में आया, जो हरित क्रांति थी वो उत्पादन बढ़ाने के ही लिए उद्देश्य लाई गई थी। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे में मात्रा अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। याद रखिए, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल पर ही पड़ा था। आधुनिक कृषि के तरीके देख लीजिए, बिजली बांध हो गया आपका, पंप सेट, नहरें, सिंचाई, आधुनिक कृषि विधियां, कीटनाशक, उर्वरक, अधिक उपज वाले बीज, ट्रैक्टर, इस तरह से देख रहे, आधुनिक चीजों का इस्तेमाल होने लगा। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनकी जुताई कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। और इसी भारत के इस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत कुछ अच्छी है, वरना अन्य हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में किसानों की हालत बड़ी टाइट रहती है, और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पड़ा था। ठीक है, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम यानी कि 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई, 1300 से बढ़कर 3200 किलोग्राम था। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। दालों एवं गेहूं का उत्पादन करोड़ टन में, देखिए ये दालों का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन 1965-66 में 10 करोड़ टन, गेहूं का भी 10 करोड़ टन। वहीं 2017-18 की बात करें हम लोग तो 24, दालों का उत्पादन टन में करोड़ टन में 24, 10 से बढ़कर 24, और यहाँ गेहूं का उत्पादन 97, गेहूं में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? क्या भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है,
अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार की अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। देख लीजिए पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ने लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है दिया जाता है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आदतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यही हुआ सीधी सी बात कि आप लोग बुखार आता था तो कोई भी टेबलेट यानी कि वैक्सीन ले लेते थे, दवाई ले लेते, ठीक हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ये बहुत बड़ी हद तक प्रयोग करने लगे। कुछ भी हुआ, सर्दी हुई, तुरंत दवा ले ली जाके, तो क्या हुई, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। उसके बाद हमें ऊंचा डोज लेना पड़ता है दवाई का, तभी हम लोग सही होता है। इसी तरह रासायनिक का होता है कि हाल में फायदा हो जाता है लेकिन उसके बाद उसका नुकसान दिखना चालू होता है, फिर उससे ज्यादा हमें प्रयोग करना पड़ेगा रासायनिक खाद का, तब बढ़ेगा उत्पादन। ठीक है, बात करते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों की परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 के में कृषक गोविंद के पास 2.25 यानी कि 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। वर्ष के कुछ भाग में ने कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यही तो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में किसी को भी ले लीजिए उदाहरण के लिए, उनके पास 10 बीघा है, उसके बाद उनके बेटे हुए तो उनमें बंटवारा हुआ, उसके बाद उनके पोते हुए उनमें भी बंटवारा हुआ। क्या करते हैं अधिकतर लोग, क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र का बिछड़ने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जिस खेत को काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी घुसे पड़े हुए हैं। ठीक, और आसपास अपना दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिश्रित खेती में आप ले सकते हैं भैंस पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन। इस तरह से क्या होगा कि उसमें कुछ लोग लगे रहें, इसमें कुछ लोग लगे रहें, तो क्या होगा कि आय भी बढ़ जाएगी और आपका परिवार भी सुख
सुदृढ़ रहेगा, यानी कि खुशहाल रहेगा। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरी हुई भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार जो 2 हेक्टर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टर या फिर इससे अधिक भूमि होती है। आप पंजाब और हरियाणा में देखा होगा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या करते हैं कि किसान अपनी खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। क्या होता है कि आय का स्रोत उनका बढ़ जाता है। देखिए, खेतों में कार्य, कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव, आधुनिक एवं परंपरागत विधियों में से फसलों की जुताई करना। पहले आपकी इस तरह से होती थी, उसके बाद इस तरह से। पहले कीटनाशक इस तरह से छिड़कते थे, लेकिन अब देखते होंगे आप लोग इस तरह से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टर से अधिक, सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टर से कम। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, यानी कि मेहनत। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर, यानी कि मजदूरी पर रखते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को उचित 1.6 में पहचानिए तथा उचित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके पास भूमि है बड़े स्तर पर, तो आप किस लिए दूसरे के यहाँ काम करें? तो ये श्रमिक वही लोग होते हैं जिनके पास या तो भूमि ना के बराबर है या फिर भूमि है ही नहीं है। ठीक है, मजदूरी नगद या फिर वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई हो गई, कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं या फिर उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, या तो आपके यहाँ जो श्रमिक आता है, मजदूर आता है, वो दिन में 100 रुपये, 200 रुपये या फिर पूरे काम के हिसाब से किस काम को करना है, इस तरह से लगाए जाते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, ये आपका मार्च 2017 में निर्धारित किया गया था, लेकिन डाला को मात्र 160 ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने की को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। आपने देखा होगा कि न्यूनतम वेतन एक निर्धारित करने के लिए कई आपके नियम कानून भी हैं, लेकिन कहाँ लागू होते हैं? जहाँ एक श्रमिक की जरूरत है वहां पांच पांच जाएंगे, तो उनकी जो वेतन होगी वो तो कम करेंगे ही लोग। आजकल हम काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है। उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा।
इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हैं। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे का पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था, मैं ऐसे कैसे चुकता कर पाऊंगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, इस तरह की साहूकारों से ऋण लेते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की बात करते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या फिर गांव के साहूकारों से या फिर खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों का की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अरमान है कि कार्यशील पूंजी के रूम में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सर्विता को 24% की दर और 4 महीने के लिए कर्ज देने का खुद तैयार हो जाते हैं। इस तरह का जो कर्ज होता है उस पर ब्याज भी उच्च रहता है। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर होती है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में 1 सेमी के रूम में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों की कर्ज को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। आप सोचिए, इस तरह अगर वो कोई कर्ज लेता है, उसके बाद अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो वो क्या स्थिति होती होगी उनकी। बात करते हैं छोटे किसानों के विपरीत, मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह भी आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन की 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा है। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक। ऐसे अनेक लोग जो गांव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से या फिर कम भूमि है, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की भूमि पर। याद रखिए, जो ये भी इस तरह के प्रयोग क्रियाकलाप होते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ के निकल जाया करिए, क्योंकि पता है आपको पेपर नहीं लेना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं,
वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं, और जो ज्यादा होता है उनके पास अधिशेष इसे बेच देते हैं। बोलो, सविता और गोविंद गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्ते 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देखी थी हम लोगों ने। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं होता है। एक क्विंटल में आपके 100 किलो होता है, 100 100 केजी, ठीक है, 100 केजी। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष में तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसे बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया था। इस वर्ष में तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर भूमि में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोली किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपने अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकानदार अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं देखते हैं। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती की ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी कि 75% आपके कृषि से संबंधित काम करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों की को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में होने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के गांव बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। साहेबपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला, जहां से दूर 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 दराज के शहरों और कस्बों में भेज जाता है दूध। हम तीन किसानों के उदाहरण लेते हैं। पितेक ने अपने खेतों में गेहूं बोया, यद्यपि भी उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। दूसरा किसान, एक स्तंभ दो में दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। देखिए स्तंभ तीन, तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। सारणियों को पूरा करें। याद रखिए, इस तरह की जो भी क्रियाकलाप होते हैं इन्हें पढ़कर निकल जाया करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करिए, ठीक है? आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अपने निकल जाना है। उत्पादन होगा, उपयोग, अधिशेष उत्पादन भोग अगले वर्ष के लिए पूंजी। उत्पादन 100, इसमें तो उपभोग हो गए 60, अधिशेष उत्पादन जो बचा 60, अगले वर्ष के लिए पूंजी हो गई आपकी। यानी कि आपकी खेती में 100 क्विंटल होता है, जिसमें से 40 उपभोग हो जाता है, यानी कि आपके उपयोग के लिए हो जाता है। 60 क्विंटल आपके लिए अधिक बच, आपके पास अधिक शेष बचता है, यानी कि उपयोग होने के बाद ये अगले वर्ष के लिए आपकी पूंजी हो जाती है, ठीक है? इसी तरह आप देख सकते हैं, वर्ष दो में 120 क्विंटल होता है,
इसमें 40 आपका उपभोग हो जाता है, बाकी जो 80 क्विंटल बचता है वो अगले वर्ष के लिए अधिशेष हो जाता है। ठीक। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मिस्री लाल की कहानी, चलिए इन कहानियों को भी देख लेते हैं। मिस्री लाल ने गन्ना पेने वाली एक मशीन खरीदी, बिजली से चलती है, उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता है। गन्ने को पेरने के बाद इसे गुड़ में बदला जाता है, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर साहेबपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी पढ़ें तो करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी साहेबपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर और उपयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खोले खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इस कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। एक ही जगह अन्य तरह अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं इस कंपनी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक पास में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यही हम लोग किशोर की कहानी भी देख लेते हैं। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या फिर कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर साहेबपुर जाता है। हर एक महीने से उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई कार मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लगा। अब बात करते हैं सारांश, यानी कि किसी अध्याय को पढ़ने का सारांश क्या था, पूरा निष्कर्ष क्या था। गांव में खेती मुख्य उत्पादन की जाए, पिछले वर्षों में खेती की विविध विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान अपनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर
बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% है भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत इनके लिए कठिन होता है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के लिए अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक पिछड़ है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र काम करना प्रारंभ कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के कृषि गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपने ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की दर कम उपलब्ध हो, यानी कि जो ब्याज मिले उस पर दर कम रहे, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहाँ वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे जाना गांव कस्बों शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य रहे है कि अर्थव्यवस्था किस तरह चलती है, और अगर आप लोग अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ते रहते हैं तो आपको अर्थशास्त्री बना देगा, समझ अर्थव्यवस्था की विकसित करेगा। इसी अध्याय से संबंधित आपके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए अगर देखना हो। और जो आपकी PDF थी वो टेलीग्राम पर डाल दी थी मैंने, ठीक है, उसे वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, याद रखिए। और अब इन जो भी आपकी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बुक्स हैं, इन्हें छोड़ना भी मत, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए, ये था हमारा पहला अध्याय। दूसरे अध्याय, अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे संसाधन के रूप में लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा आपका। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम लोग कक्षा 6वीं की सभी बुक्स देख चुके हैं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की बुक्स देख भी चुके हैं हम लोग। कक्षा 9वीं में हम लोग दो बुक्स देख चुके हैं, ये आपकी तीसरी बुक है। दो बुक कौन कौन सी थी? वो लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट और समकालीन भारत फर्स्ट। अब हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपका एक अध्याय खत्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा अध्याय है। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT पढ़ लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, समय रहते पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाले हैं। तो चलिए दूसरा अध्याय हम लोग जानते हैं, बड़े धैर्य के साथ सुनिए। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में
व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में कोई गाड़ी रखते हैं या फिर कोई जानवर रखते हैं, अगर अगर आप लोग उसे खिलाएंगे अच्छे से, मान लीजिए एक गाय, आपने गाय रखी, अगर गाय को खिलाएंगे नहीं तो वो दूध कहाँ से देगी। तो आप जितना उस पर इन्वेस्ट करेंगे यानी कि लागत लगाएंगे उसमें, उतना ही आपको फायदा होगा। तो इसी तरह मानव में भी होता है, अगर मानव को आप शिक्षा नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो मानव पूंजी कहाँ से उत्पन्न होगी। तो इसके लिए मानव पूंजी को उत्पन्न करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यगत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनसे योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। एक मानव संसाधन या विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू जिसे उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। याद रखिए, बार बार मैं बोलता आया हूं कि जापान का सक्सेस होने का, विकसित देशों में सम्मिलित होने का एक ही कारण है, मानव पूंजी। ठीक है, क्योंकि वहां शिक्षा हो, फिर चाहे आपका स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इस पर अधिक बड़े स्तर पर एक खर्च किया जाता है। ठीक है, और आप ये सोचिए कि दो बार वो हम परमाणु बम झेलने के बाद भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है जापान। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भूमि भौतिक पूंजी की विभाति प्रतिफल प्रदान करता है। अब आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, आप उसे शिक्षा नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, उसके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ के कुछ कर पाएगा? कर पाएगा नहीं। अगर आप लोग उसे शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसके स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वो आगे चल के अपना जो भी काम करेगा कर लेगा अच्छी भली मेहनत से। ठीक है, अधिक शिक्षित या फिर बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किसी प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे भी अधिक है? तो मानव पूंजी सबसे बड़ा है, मानव संसाधन आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि मानव ही ने बाकी संसाधनों को पैदा करने या उन्हें पहचानना या फिर संसाधनों की श्रेणी में उन्हें लाकर खड़ा करना मानव का ही काम है। आप ही सोचिए कि कुछ दिन पहले आप लोग गाय को नहीं पालते थे, आज से कुछ सालों पहले भैंस को नहीं पालते थे, आप रेत, इस तरह की हीरा लोहा का उत्पादन यानी कि उपयोग नहीं करते थे। जैसे ही मानव की सोच विकसित होती गई उन्होंने संसाधन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और जब तक हमारे उपयोग में नहीं आता है तब तक वो संसाधन हो ही नहीं सकता है। अब हजारों वस्तुएं हमारे सामने पड़ी हुई हैं, वो सभी संसाधन तो नहीं है, लेकिन जिनका उपयोग संसाधन के रूप में किया जाने लगता है वो संसाधन बन जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, यही मानव पूंजी है संसाधन की रूप में। लोग यहाँ देखिए, स्वास्थ्य यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, मानव पूंजी, ये है आपकी मानव पूंजी। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या फिर उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, बौद्धिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका मानव संसाधन उसमें ना लगे। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, उद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि, बस संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचिए, अपने यहाँ इंडिया में अभी एक युवा वर्ग की जनसंख्या बहुत है, अगर इसे संसाधनों में बदल देती है सरकार, यानी कि इन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करा देती है, तो देश को भी फायदा होगा, अगर नहीं कराएगी तो यही जनसंख्या बुढ़ापे में बदल जाएगी, यानी कि आश्रित, अभी जनसंख्या है आश्रित हो जाएगी, तो आश्रित हो जाएगी तो उसके बाद आपको हानि होगी, क्योंकि जो 60 से ऊपर की एज होती है, या फिर आप लोग 0 से लेकर 15, 16, 17 तक ले सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आदमी दूसरे पर आश्रित हो जाता है, यानी कि खर्च बढ़ जाता है, उससे घाटा ही होगा, आपको फायदा नहीं होगा। तो 15 से 59 साल तक की जो एज है, यही आपके लिए उत्पादन करती है। सकल की कहानी। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने सीख प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर की व्यवसाय कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रभावशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूर्ण किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन की भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि सकल पर जो खर्च किया गया है उसी का परिणाम है। यहाँ देखिए, उसके बॉस ने उसे पदोन्नति दी, यानी कि वो सक्सेस लाइफ जी रहा है, ठीक है। अब आप लोग विलास की कहानी सुनिए। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती।
वह स्कूल भी नहीं जा सकता, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मदद माँ की मदद करता और अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब आप लोगों ने दोनों कहानियां पढ़ी हैं, एक विलास की और एक आपने सकल की। अब देखिए, इसमें उस पर खर्च किया गया, यानी कि उसे संसाधन बना के खड़ा कर दिया गया, और आपके जो विलास है तो इसे ना इस पर ज्यादा खर्च किया गया है, ना इसे एक प्रोडक्ट मतलब एक संसाधन की कह लीजिए या मानव पूंजी नहीं बन पाया, इससे वंचित रह गया। ठीक है, क्रियाकलाप याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे आप इसे पढ़कर निकल जाया करिए, इनमें टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपने उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। यहाँ आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, किसी बस्ती में जाइए, देखा होगा आपने अक्सर, वहाँ जो टीचर पढ़ाने आता है उसके बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं और वो अच्छी जिंदगी जीते हैं। वहीं जो बस्ती के बच्चे होते हैं उन पर ना तो अच्छी तरह से शिक्षक ध्यान देता है ना उन्हें पढ़ाया जाता है, तो वो उसी बस्ती में जीते रहते हैं, वहां से नहीं निकल पाते हैं उस गरीबी से। ठीक है, अगर उन्हें भी हम लोग शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, तो वो भी एक संसाधन बन सकती है मानव से। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जा गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार 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 डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो विलास था ये गठिया का रोगी था, यानी कि अस्वस्थ था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की और सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोषने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई है, इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई पर आप लोग जो भी खर्च करते हैं वो आपके लिए उपयोगी रहता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक, इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचकर अपने जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। मैं हमेशा से बोलता है हम कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारे देश में फ्री कर देनी चाहिए, चाहे वे 100 रुपये का इलाज हो या फिर 1 लाख का या 10 लाख का, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उच्च शिक्षा जिस तरह से बड़े लोगों को मिल रही है उसी तरह से इनको मिलना चाहिए। अगर इन्हें भी आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य देते हैं तो आप इन्हें भी एक अच्छी मानव पूंजी में बदल सकते हैं, वरना यही देश का हाल रहेगा। और मानिए इससे उन्हें तो फर्क पड़ ही रहा है जो वो अकुशल श्रमिक हैं, लेकिन इससे देश पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बेहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता
तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। पता है, अगर सरकार शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो सरकार को इनडायरेक्ट ऋण की तरह, जो आपने देखा होगा, किसानों को अगर अच्छी व्यवस्था करवा दी जाए तो कर्ज माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सोचिए, अगर किसान की फसल अच्छी होती है तो किस लिए कर्ज माफ करना पड़ेगा, वो तो उल्टा टैक्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। अब आप ही सोचिए, दो बार परमाणु हमला झेलने के बाद कौन सा देश है जो खड़ा होने की हिम्मत रखता है? जापान ने एक ही 1945 में यहाँ दो बार परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के बाद। फिर भी देखिए, आज जापान आपका विकसित देशों में जाकर खड़ा हो चुका है। ठीक है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, याद रखिए, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव संसाधन है। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ 1 किलो लोहा का उत्पादन हो रहा है, कच्चे लोहे का। आपके यहाँ मानव संसाधन होता तो उसका उपयोग विभिन्न चीजें बनाकर, जैसे कील बनाकर, ट्रैक्टरों के या किसी मशीन के कलपुर्जे बनाकर उन्हें बेच देता, उन्हें मतलब अच्छे से प्रोडक्शन करता। लेकिन आप सोचिए कि कच्चा लोहा आपका 25 रुपये किलो बिक रहा है, वही जाके जापान जाता है, वहां मानव का दिमाग लगता है उसे कीलों में बदल दिया जाता है, छोटे छोटे औजारों में। आप चाकू को ले सकते हैं, अब देखिए, चाकू 1 किलो लोहे में 100 चाकू निकलती हैं, मान लीजिए, और आपका लोहा कितने का मिला था 1 किलो? 25 रुपये, 25-30 मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब 100 चाकू निकल जाए, 10 ही रुपये की बिकेगी तो कितना हो गया? 1000। एक इसका कमाल है मानव पूंजी का, यानी कि मानव संसाधन का, मानव दिमाग का। ठीक है, तो यही हाल है जापान का, और भारत का यह है कि हाल की डायरेक्ट कुछ नहीं बनाने की हिम्मत रख पाते, यानी कि हमारे यहाँ श्रमिक जो मानव संसाधन है इसमें पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचिए, अभी भी कई देश अमेरिका रूस जैसे देशों पर निर्भर करते हैं कई सामान बनाने में, लेकिन अब काफी हद तक भारत निर्भर होता जा रहा है। यह विकसित धनी देश है आपका जापान, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से देश धनी विकसित बने हुए। पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप, विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख श्रमिकों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। फिर आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसमें आपका विनिर्माण क्षेत्र आता है, यानी कि जहाँ जैसे आपके मान लीजिए कि दूध उत्पादन हो रहा है तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद उससे पनीर बन रही है, उससे चॉकलेट बन रही है या कोई और भी सामान बन रहा है, उसे आप द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं, यानी कि जहाँ उसका विनिर्माण होता है। तृतीयक क्षेत्र उसे कह सकते हैं जो सेवा के द्वारा, किसी भी सेवा के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए गए हैं आपके तृतीयक क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाएं क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं की बात करें तो इसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। इनमें आपकी सरकारी सेवा सहित वस्तु या फिर सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। अगर हम लोग गैर बाजार की बात करें क्रियाओं की, गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है।
इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग, उपज संस्करण तथा अचल संपत्तियों का सौलिका शामिल होता है। क्रियाकलाप, अपने निवास क्षेत्र से के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं, उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिख सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को आप तीन चित्रक में कैसे चित्रक में रखते हैं। बताइए कि क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना बनाता है, पकाता है। सकल एक प्राइवेट फार्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता है। याद रखिए सेवाएं, जैसे सकल एक प्राइवेट फार्म में काम कर रहा है तो ये सेवा दे रहा है, ठीक है। विलास अपने परिवार के लिए खाना बना रहा है तो सेवाएं ही दे रहा है, ठीक। पुरुष सहयोगी की तरह उसकी आय, उसकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। यानी कि आप किस तरह से विलास और सकल के रूप में ले सकते हैं। देखिए सकल की आय कितनी बढ़ जाती है और जो विलास है आज भी उसी पद्धति से जीवन यापन कर रहा है। इसी तरह आपके अंदर अगर शिक्षा और कौशल है तो आप किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास कौशल नहीं रहेगा तो आप किसी भी कंपनी में कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण, चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या फिर साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है, ठीक है। चलते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता देखते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। क्या होती हैं? परिसंपत्तियां होती हैं, आपके लिए संपत्ति होती है। याद रखिए आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। इसीलिए आपसे बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कि आपका एक बेस मजबूत हो जाए, कि आगे आप अगर टेक्स्ट बुक बुक कोई पढ़ते हैं तो वो समझ में आ सके, ठीक है। शिक्षा, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। हमने देखा है कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। इसने उसके लिए नए क्षेत्र खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। ना केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई।
शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना की 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1991-92 के 0.64% से बढ़कर 15-16 में आपका 3% बजटीय अनुमान हो गया है, यानी कि शिक्षा पर आपका 3% से ज़्यादा खर्च किया जाने लगा है बजट में। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर 1991 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाए जाते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब आपकी 16% अधिक है। वर्ष 2011 के केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी। कितनी? 94%। जबकि आपका बिहार की बात करें 62% ही है। यहाँ वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई में बीच में छोड़ने की उच्च दर में ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, याद रखना। राज्यों और स्थानीय सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अगर हम लोग 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु के वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि वर्ष 2017-18 एवं 30% की वृद्धि 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया, यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभी समय पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1991 से 51 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की साइंड 2.1 में देखेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं, याद रखिए आप लोग हमेशा कि अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। आर्टिकल 21 के तहत आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया जो आपका 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष तक, तो इसका बहुत कुछ फायदा हुआ है देश में। और आप ही सोचिए कि अगर जनता पढ़ लिख जाती है तो एक समझदार जनता रहेगी, वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेगी और अपने कर्तव्यों के प्रति इस तरह से बवाल नहीं करेगी। कहीं भी आपने देखा भीड़ तंत्र सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने लगती है तो उनमें एक कर्तव्य तो रहेगा, लेकिन आप जानते हैं नेता ये कभी नहीं चाहते कि जनता समझदार हो, क्योंकि एक बिना पढ़ी लिखी जनता को किसी भी दिशा में मोड़ना बहुत आसान होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, उनके आगे 2-4 वादे कीजिए अच्छे से और अच्छे से बात कीजिए, वो मोड़ जाती है। बहुत ही साधारण यानी कि बहुत सीधी जनता होती है, इसी का फायदा नेता उठाते हैं।
ठीक है, तो इसी के चक्कर में आपका जो शिक्षा का अधिकार है इसे शामिल किया गया। ठीक है, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन संख्या, ये आपका वर्ष दिए गए हैं, ये महाविद्यालयों की संख्या दी गई है, विश्वविद्यालय की संख्या दी गई, विद्यार्थी, शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें पीडीएफ। ठीक है, 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या आपकी 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 30 थी, विद्यार्थियों की संख्या 2,63,000 थी और शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में 24,000 थे। अब हम लोग चलते हैं 16-17 की बात करते हैं, तो महाविद्यालयों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई, 42,338, विश्वविद्यालयों की संख्या 795 और विद्यार्थियों की संख्या 2,94,27,158 प्लस। और यहाँ आपकी अगर शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज की बात करें तो 14,70,190। याद रखिए ये आंकड़े बदलते रहते हैं, जब आपके आंकड़े आते रहते हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, वहाँ आप अपडेट होते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति है और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता, सावधानी पूर्वक सजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षक की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर आपके गांव में आप मदद करते हैं, सालों से मदद करते आ रहे हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, इस तरह से मदद करते आ रहे हैं। ठीक है, किसी गरीब की मैं मान लीजिए, अगर आप लोग उस परिवार को शिक्षा देते और उसे आगे बढ़ाते, अगर उस गरीब परिवार में कोई शिक्षित हो जाता, अच्छी नौकरी करने लगता, तो आपको उसकी मदद करने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे देश में अगर हो जाए तो किसी की मदद करने की सरकार को क्या जरूरत पड़ेगी? आप ही सोचिए, किसानों को अगर अच्छी फसल के दाम मिलने लगे, उनकी फसल अच्छी होने लगे, तो उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मदद की। ठीक है, इसी तरह आप ले सकते हैं कि आप रोजगार के लिए अच्छे अगर कौशल उत्पन्न होता है तो वो अपना रोजगार खुद ढूंढ लेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए? ठीक, लेकिन आप अधिकतर देखते हैं, मैंने तो देखा है अधिकतर, कि गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो प्राइमरी स्कूल में टीचर भी होता है, वो भी अपने बच्चों को वीआईपी स्कूल में पढ़ाता है, खुद जाके कुर्सी पर तान के बैठ जाएगा और सोएगा दिन भर। ठीक है, पढ़ाने की जगह। और सैलरी कितनी है? 40 से 50 हजार, उसमें से अपना कर्तव्य 1% नहीं निभाया जा रहा है। भारत में साक्षरता दर की बात करें लोग, तो देखिए 1991 में आपकी व्यक्तियों की टोटल क्या थी, 20% से भी कम, और पुरुषों में आपकी 30% से कम थी, और महिलाओं की बात करें तो 10% से भी कम थी। जो 2011 में बढ़कर क्या हो गई, आपकी ये 70+ पहुंच गई व्यक्तियों में टोटल, महिलाओं पुरुषों में। पुरुषों की बात करें तो ये आपकी 80 के बाद निकल गई पुरुषों में, और महिलाओं की बात करें तो 60+ है। ठीक है, अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी बड़ा अंतर है। चलते हैं हम लोग आगे। इसके आप लोग पॉइंट करना सीखिए और निकल जाइए। पता है कौन हमारे लिए पॉइंट जरूरी है, यानी कि कौन हमारा बेस तैयार करते हैं, उन्हीं पॉइंटों को देखिए और वहां से निकल जाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। स्वास्थ्य, फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य सैमिक के बराबर कार्य नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा, महिलाओं की तुलना में लोग पुरुषों को अधिक नौकरी नौकरी देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि वरीयता रखते हैं। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा महिलाओं में
जब वो बच्चे होंगे तब उन्हें छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उन्हें संभालने के लिए जरूरत, तो एक उनका क्लियर नहीं रहता है। और इसी हर कोई भी कंपनी खोलेगा, आप ही सोचिए, तो आप उत्पादन ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन आपको तो अपना लाभ बढ़ाने से मतलब होता है, ठीक। इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक नौकरी में रखा जाता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में, सॉरी। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसी उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी आश्वस्त स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर आपकी 1991 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। इस अवधि में संशोधित जन्म दर गिरकर आपकी 20.4 और मृत्यु दर 4.6.4 पर आ गई है। ये सभी आपका शिक्षा में सुधार की स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति का ही परिणाम है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को और भावी प्रकृति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन का उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी गांव में महामारी आती थी तो आधे गांव गांव का गांव सफाया कर दी दिया करती थी, ठीक है, कहीं बीमारी आ रही है तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है तो हर चीज का इलाज ढूंढा जाने लगा है, ठीक है। इसीलिए आपकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ी, सॉरी, शिशु मृत्यु दर कमी यानी कि घटकर कम हुई है। आपने देखा होगा ये बिना पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, इसीलिए तो बोलते कि अपने बच्चों को शिक्षा तो दीजिए, कम से कम वो बेवकूफ तो ना बने, किसी के बहकावे में तो ना आए, अंधभक्ति तो ना करें किसी को। क्या होता है कि जब हम किसी की अंधभक्ति करने लगते हैं तो हमें उसके सारे अच्छे बुरे गुण दिखना बंद हो जाते हैं, हमें उसकी अच्छाई दिखती है, ठीक है। अब बात करते हैं संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना। उपकेंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए 2013 में आपका 1,81,129 है, जो आपके 2017 में 1,87,505 हो गए। औषधालय इसी तरह आप देख सकते हैं, बिस्तर, बाल चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर हो गए, ठीक है, नर्सिंग होम, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज, 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज। बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है। सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल और खेती काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीता अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे।
क्या आप शीला या फिर जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब पिछले मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब पिछली मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक जो लोग हों उन्हें रोजगार नहीं पा सकें। यानी कि आप काम करने के लिए इच्छा है आपकी कि आप किसी कंपनी में काम करें, कहीं भी काम करें, लेकिन आपको रोजगार यानी कि वहाँ नहीं रखा जा रहा है, तब आप रोजगार होंगे। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या पे नहीं हो सकती है, ना ही जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष की बीच होती है, याद रखना श्रम बल कहलाते हैं। और जो आपके 0 से 15 वर्ष की होती है वो उस तरफ आपके 60 से लेकर उस तरफ 60 प्लस ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इन्हें आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या। सकल के भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। सकल के दादा दादी नाना नानी जिनकी एग्पी इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। ठीक। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और विच्छिन्न बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः आपकी शिक्षित बेरोजगारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब मौसम खराब होता है उसी समय मौसमी बेरोजगारी और विच्छिन्न बेरोजगारी होती है, और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित तो हैं लोग फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्हें शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई कटाई निराई गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। पेचन बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्रयाव कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इनमें से 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इस खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग विच्छिन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर गांव में क्या होता है, जहां एक लोग की काम, जैसे खेती एक आदमी कर सकता है, अगर बुआई करवानी हो पानी दवाना हो, अगर एक आदमी के लिए वो काम है वहीं पूरा परिवार समट के लग जाता है, तो क्या होता है कि इससे उनकी आय में भी कमी ही रहती है। आप सोचिए अगर घर में 3-4 भाई हैं तो एक खेती करे, दूसरा पशुपालन करवाए, तीसरा अन्य काम करे, तो उनकी आय भी बढ़ेगी, और अगर चारों खेती पर ही निर्भर रहते हैं तो जितना एक के करने से आय होगी उतना 4 के करने से आय होगी, उनकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आए? तो ये आपकी पिछन बेरोजगारी होती है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई। मैट्रिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि PhD करने वाले भी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, तो यही तो शिक्षित बेरोजगारी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है,
तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जो जिसे रोजगार नहीं मिलेगा वो दूसरे पर तो डिपेंड रहेगा खाने पीने के लिए। आप ही सोचिए, घर में अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो जो कमा रहा होगा वो खर्च दे रहा होगा, दे तो रहा होगा, अगर वो कमाता तो दूसरे पर डिपेंड भी ना रहता, ठीक है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य पर स्तर में एक आम गिरावट आती है और इस स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, जो हमारे भारत में अक्सर देखा जा रहा है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपने पसंद की का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं चाहे उससे कितनी भी कमाई होती हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह यानी कि जीवन चलाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि यदि से श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में चला गया। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभी शोषण है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्राथमिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि श्रेणी की विभिन्न नई सेवाएं सामने आई हैं। आइए जानने के लिए एक कहानी पढ़ें, कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था यानी कि उत्पादन कर लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि वह उसने एक उन्नत किस्म का के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष
फसल निकट के गांव में भेज दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां में प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक दर्जी एग्रो इंजीनियरिंग और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी है जहां मानव पूंजी के उठते स्तर से ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित किया है। तो ये कहानी थी पूरी आपकी मानव संसाधन को किस तरह से आप लोग विकसित कर सकते हैं, यानी कि मानव पूंजी को। इसी सारांश देख लेते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा है। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग लगा सकते हैं और PDF डाउनलोड करके रख लें आप, ठीक है, क्योंकि कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती है। तो तीसरा अध्याय हमारा होगा यही। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती किस प्रकार है, ठीक है। तो आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप ना समझ सके, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक। इस अध्याय में हम निर्धनता के विषय में चर्चा की गई, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा एक बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत अथवा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया। निर्धनता के कारणों एवं सरकारों द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। इसमें निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है इसमें, ठीक। निर्धनता का मतलब है सीधा सा गरीबी से, ठीक है। परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है यानी कि गरीब है। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चितड़ों में बच्चे उठाए बेकारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता यानी कि गरीब देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, समझ सकते हो।
वास्तव में देश का चौथा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति, चार लोगों में से एक व्यक्ति गरीब है, ये स्थिति है। समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कितना? 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का जनगण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है, यानी कि गरीबी की हालत भारत में सबसे बुरी है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अल्पकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीद पाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। आप लोग तभी किसी समस्या को देख सकते हैं अपनी और समझ सकते हैं जब उस आदमी की जगह अपने आप को रखा करिएगा। अब आप बोले गरीबों की हालत वो उनके कर्मों की वजह से, कभी अपने आप को रखिए उनकी जगह, तब आप उनका दर्द समझ सकते हैं। किसी भी का अगर जिंदगी में दर्द समझना है तो उसे अपनी जगह रखिए, फिर सोचिए कि तुम्हारा क्या हालत होता। अब बोलिए 1500 रुपये में महीना किस तरह चलता होगा? क्या वो अपना स्कूल भेज सकता है? कपड़ा पहन सकते हैं? क्या पोषण खाना खा सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये हालत है हमारी। ये तो 27 करोड़ लोगों की हालत है जो अभी सरकारी आंकड़े में, इससे कहीं ज्यादा होंगे जो सामने नहीं आते। आप इतने समझदार हैं कि आप लोग जानते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े रहते हैं। देखिए, मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाए खाना काम पर चले गए। रामशरण की कहानी। आगे बढ़ते हम लोग, ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन फिर खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल, थोड़ी सी सब्जी भी ही मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। ये हकीकत है। अभी भी आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनकी हालत कभी जाकर देखी हो, आप दूर से अंदाजा नहीं लगा सकते किसी भी समस्या का। आप जब उसके पास जाएंगे तभी आप उसे समझ पाएंगे। कभी टाइम वक्त मिले तो जाइए, आपको पता चल जाएगा गरीबी होती क्या है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने,
और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक की मरीज है, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसे बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे छीन हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहां तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। आप समझ सकते हैं, देखिए दोनों कहानी आपने। मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि अगर हमारे देश में 2 काम हो जाए, एक शिक्षा का, दूसरा स्वास्थ्य का, तो किसी तरह हमारा कोई गरीब मरेगा नहीं, और वो अच्छी स्थिति में पहुंचने की स्थिति में होंगे। आप भी समझ सकते हैं कि अब जिसके पास 50,000 रुपये है नहीं है, वो 2 लाख 3 लाख का इलाज कैसे करवा सकता है। जिसके पास 1500 रुपये इनकम हो रही महीने की, वो अपने बच्चों को स्कूल, VIP स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है। और आप गाँव के स्कूलों की हालत जानते हैं, क्या हालत है, समझ रहे हैं आप लोग। निर्धनता के उपयुक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, असहायता। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका एक अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और स्टेशन, रेलवे स्टेशनों, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। और सरकारें आती जाती रहती हैं। आप एक समझिए बात को कि जब से आजाद हुआ हमारा देश, तभी से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है। हर नेता बड़े बड़े वादे करके आता है, लेकिन उसकी एक कहावत है आप मानिए कि जब कोई भी राजा पद पर बैठता है, उसके कुछ समय बाद उसका दिमाग, मतलब बुद्धि नष्ट होने लगती है। ये आप सोच के बैठिए, जब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलती है, हमारे दिमाग में बहुत सोच आती है, बहुत कुछ करने का विचार आता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई पद मिल जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो सुना होगा आपने कि जब भूखे रहते हैं तो 1000 दिमाग में विचार आते हैं कि कैसे खाना खाए, कहाँ से जुटाया जाए, लेकिन हमारे पास सामने थाली लगी मिल रही है तो हमारा दिमाग कहाँ चलेगा। तो यही इन नेताओं का होता है। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे रहते हैं और तो सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्भरता, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामूहिक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, आपको इसीलिए NCERT पढ़ने की सलाह दी जाती, क्योंकि एक आपको मजबूत तो हो, आप समझे तो कि गरीबी किस तरह होती है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। नेताओं में आप में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में है?
सामाजिक अपवर्जन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकट निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग उपभोग दूसरे उनसे अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। आप लोग एक समझ सकते हैं, आप लोग अगर इन्हें देखेंगे अपनी नजरों से वहां बैठ कर, अब उनकी जगह आप रखते तो आप कहेंगे कि आरक्षण व्यवस्था सही है, लेकिन मैं मानता हूं कि आर्थिक शैक्षिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जिसकी शिक्षा स्तर गिरा हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई ST ST के लोग हैं जो बड़े बड़े पद पर पहुंच गए, बहुत पैसा हो गया, और कई लोग ऐसे भी हैं सामान्य जाति में भी, जनरल OBC में भी, कि उनके पास उनकी स्थिति अभी भी टाइट है, यानी कि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, तो आरक्षण उन्हें भी मिलना चाहिए, इसमें कोई दोहराव नहीं है। तो आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, बात करते हैं असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा की एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या फिर व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रोग से विकलांग व्यक्ति कि भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए भिन्न भिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों की समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में ही अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा। आप देखिए कोई भी आपदा है हमारे देश में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? गरीब, निर्धन, फिर चाहे वो आपकी मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। अब आप अभी 2020 में ले सकते हैं कोरोना। देखिए विदेश कोई गरीब नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतान किसे करना पड़ा? गरीब को। अभी जो आपकी अम्फान तूफान आया हुआ है, देखिए सबसे ज्यादा कौन मरा? गरीब। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्षम होते हैं, वो अपना ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन इनका उतना इनके बस की बात नहीं रहती है कि ये अपना अच्छा आसियाना ढूंढ लें सुरक्षित। ठीक, फिर आपका निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वसमान सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित किसी व्यक्ति की को निर्धन माना जाता है। यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भिन्न भिन्न कालों, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है आपकी। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना
विलासिता मानी जाती है। अब समझ सकते हैं आप अमेरिका व भारत में कितना अंतर है। भारत में उस आदमी को निर्धनता, अमेरिका में सॉरी, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन यानी कि गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है यानी कि फोर व्हीलर नहीं है। और भारत में यह स्थिति आप समझ सकते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों और ईंधन और विकास, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अब समझ सकते हैं आप लोग इसमें अगर कि अमेरिका में क्यों विकसित है और हमारा भारत क्यों पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता किसे माना जाता है। साक्षर इंसान उस व्यक्ति को माना जाता है जो लिख पढ़ सके। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लिख पढ़ रहा है यानी कि वो समझता हो नहीं जानता कुछ भी नहीं, बस लिखना जानता हो, उसे पता हो कि ये उसने लिखा क्या, वो साक्षर हो गया है। साक्षर इस तरह से तो आप अगर गांव में आजकल देखा होगा वो लोग भी जिनके आगे जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो भी आजकल लिखकर जान रहे हैं कि ये क्या लिखा है उन्होंने, तो उन्हें भी साक्षर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये स्थिति है। अगर अच्छे से गणना की जाए तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्र में आपका 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं यानी कि मेहनत करते हैं तो उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस परिकल्पना के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 812 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। एक व्यक्ति के लिए, याद रखिए, आपने देखा होगा कि वहां चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसकी बीवी थी, फिर भी वो 1500 रुपये मात्र कमा रहा था। समझ में, और यहाँ बात कर रहा है एक व्यक्ति को चाहिए एक महीने में कितना, 816 रुपये गांव में और शहरी में 1000 रुपये। ठीक है, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। यदि उनकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रतिमाह से कम हो, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा, याद रखिए, यानी कि गरीब ही से भी नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रतिमाह से कम हो। अगर जिसकी 4,080 रुपये से जाना है वो निर्धन नहीं कह सकते उसे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अधिकतर लोगों की आय क्या रहती है। इसी तरह के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रति दर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO करता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, यह सर्वेक्षण कौन करता है, राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन। यह
तदापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे 1.9 डॉलर अमेरिकी डॉलर यानी कि 2011 की पीपीपी व्यक्ति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, प्रतिदिन जो आदमी 1.9 डॉलर कमाता हो। ठीक, अब बात करते हैं निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 ये आपका तालिका भारत में निर्धनता के अनुमान तेंदुलकर कार्य प्रणाली के अनुसार 1993-94 में निर्धनता अनुपात प्रतिशत में निर्धनता की संख्या करोड़ ग्रामीण में आपकी 507, शहरी क्षेत्रों में 32 और युग 45 के यहाँ 50 होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ में है आपकी 339, शहरी क्षेत्र में 75, संयुक्त युग 404। जो 2011-12 की बात करें हम लोग तो ये आपका 26%, 14% यानी कि घटा है। उसके बाद कुल है इसका 22, यहाँ 217-53, 270 यानी कि कम हुई है गरीबी। इसका मतलब 1993-94 में लगभग आपके 45% से बस 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों यानी कि 1973-93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसत गिरावट आपकी 2.2% वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच हुई है। ठीक है, इस सारणी को देख लें आप लोग। अब बात करते हैं असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं यानी कि ST SC। ST का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब जनजाति। ठीक है, इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये है, देखिए इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या, सामाजिक समूह एवं आर्थिक, ये आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इसमें 43%, अनुसूचित जाति 29, भारतीय निर्धनता औसत 22, अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण 34, अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी 34%। कितने में से 100 पुरुष में से 43। ठीक है, यानी कि 100% में से 43 इस तरह से ले सकते हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे, लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। समझ सकते हैं आप लोग, ये है आपकी स्थिति गरीबी की।
यार आगे बढ़ने की सोची है, वहां खाने की भी आदमी कैसे सोच सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी समस्या को, आपको अगर दिखावा लगता हो तो समस्या उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रख कर देखिए, तब पता चलता है कि क्या समस्या है आखिर, वरना दूसरे की समस्या को हम लोग मजाक ले लेते हैं। ठीक है, हाल के कुछ अध्ययनों से दर्शाया गया है कि वर्ष 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, यानी कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ये सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों की को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अब इस कहानी को पढ़ लीजिए आप लोग, शिवरमन की कहानी। अब देखिए, शिवरमन की जगह अपने आप को रखिए, तब आपको इस कहानी का पता चलेगा और आपको बेहतर समझ में आए। जब भी आपको किसी चीज को समझने में कठिनाई हो रही हो, उसकी जगह आप अपने आप को रखा करिए, बेहतर आपको याद भी रहेगा और आप बेहतर समझ भी पाएंगे। ठीक है, कहीं अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार की जगह अपने आप को रख लिया करिएगा। ठीक है, इस तरह से शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली हथकरघा से कि अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्यूर थंथियार मोची जाति का है और अब वह 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 से 6 महीने ही मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये की प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। देखिए, यहाँ पुरुषों महिलाओं में असमानता देखी जाती है। ये असमानता आपकी एकाएक नहीं उपजती है, आपके जन्म से लेकर उत्पन्न होती है। घर में आपने देखा होगा, आपके घर में अगर आप और बहन है तो आपको दूध, गिलास भरा दूध दिया जाएगा, उसे सूखा फूका रोटी दे दी जाएगी। तो ये असमानता आपके परिवार से ही पैदा होती है। ठीक है, अगर वहां से खत्म होने लगे तो एंड तक खत्म हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ भी हो घर परिवार से ही शुरू होता है, राजतंत्र हो फिर लोकतंत्र, आपके घर परिवार से ही शुरू होता है। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन भी है। उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर भी एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनका शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता है। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योगवर नहीं ढूंढ पा रहा है। यह भी उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे की कभी कभी दूध खरीद लेता है। अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय असमानता। याद रखिए, अगर इन्हें को आप लोग क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इन्हें सॉल्व कर लें तो अच्छी बात, वरना आप लोग पढ़ के निकल जाए जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो लास्ट में क्वेश्चंस दिया करेंगे उन पर भी एक बार विचार कर लिया करिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय असमानताओं की बात करें तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में
सुदीर्घकालिक कमी हुई। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता का अनुपात 22%। कितना? 22%। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। क्या है? 22% से भी ज्यादा है कई राज्यों में आपका, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है कि बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यह आपका बिहार है, दिख रहा है, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश टॉप 5 में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी आपकी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब आप लोग पाते हैं कि कुछ भी इंडेक्स आते हैं तो उसमें आपका केरल सबसे ऊपर रहता है, फिर चाहे शिक्षा में हो, लेकर पास हो, यानी कि कहने का मतलब लिंग अनुपात सही है वहाँ, शिक्षा की स्थिति सही है, स्वास्थ्य की स्थिति सही है केरल में, क्योंकि वहाँ गरीब नहीं है, गरीबी है काफी हद तक सीमित है वहाँ। ठीक है, जहाँ आप समझ सकते हैं कि सबके पास पढ़ने का अधिकार होगा, सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, वो आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, उसकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% रह गया। यानी कि $2 आप लोग सुविधा के लिए इसे मान लें। ठीक है, अगर आपका डॉलर 70 रुपए का है तो ₹140 प्रतिदिन की बात हो रही है। ठीक है, यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बेहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बेहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई। दक्षिण एशिया देशों की बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है। 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। आप लोग एक समझ सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, कई नेता आते हैं, कई अभिभावक होते हैं, इनको बनाता कौन है नेता? अब आप सोचिए कि हम लोग पाकिस्तान की बराबरी करेंगे, बांग्लादेश की बराबरी करेंगे हम लोग? नहीं, हमें चीन की बराबरी करनी चाहिए, अमेरिका की बराबरी करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पाकिस्तान से बराबरी करने लगते हैं कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ स्थिति ठीक है। अरे भाई, वो उनकी स्थिति से क्या मतलब है, हमें तो आगे बढ़ना है ना। हम दूसरे की स्थिति देखकर थोड़ी यही अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे, अरे उसकी स्थिति है तो मेरी भी स्थिति यही बनती रहे। अब आप देखते हैं, कहीं बच्चे मरते हैं अगर बीमारी से तो वहां बोलते हैं, आते हैं, वो कांग्रेस के समय में इतना मरे थे, कोई कहता है बीजेपी के समय में इतना मरते, तो
क्या कंपटीशन का नेत आए हुए हो? बताइए आप, बोलिए, आपकी तो ये लक्ष्य बनता है कि कांग्रेस के बीजेपी के समय में कुछ भी हुआ हो, किसी भी पार्टी के समय में कितने भी मरे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, तभी आप सफल कहला सकते हैं। समझ में आए? बराबरी करना किसी से नहीं करनी है कि वो गरीब है तो हम भी गरीब हैं। आप छोड़िए उसे, आप आगे निकलिए, ठीक है? ये आपकी साइड देख लेना, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में, ये आर्थिक सर्वेक्षण आपके बदलते रहते हैं, ठीक है? जब बजट आता है आपका उसी समय, तो इनसे करंट से जुड़े रहा करिएगा। और आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते ही होंगे, तो उसमें भी आपके अपडेट होते रहते हैं आंकड़े, तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप समझ सकें, स्थिति जान सकें, क्योंकि वो नीतियां तो वो बना देते हैं लेकिन उन्हें लागू करवाना तो आपका दायित्व है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में ये 41% हो गई। लेटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, वहां यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 5-10-15 में 4% रहेगी। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता भी नहीं थी। तालिका 3.2 में अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। याद रखिए, जो सतत विकास लक्ष्य है आपके 17, इन्हें आप लोग अच्छे से रट लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार ये पूछ लेते हैं और कई बार आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आप लोग उन्हें भी अच्छे से देख लेना। देखिए आप, निर्धनता हेड काउंट अनुपात कुछ चुनिंदा देशों के बीच, ये देश हो गए, ये प्रतिदिन $1.9 से कम बालों की संख्या, नाइजीरिया में आपके 53.5%, बांग्लादेश में देख सकते हैं 14.8%, भारत में 21.2%, पाकिस्तान में 4.0%, चीन में 0.7%, ब्राजील में 3.4, इंडोनेशिया में कितने हैं 5.7, श्रीलंका में 0.7%। अब आप लोग यहाँ एक ध्यान दीजिए, देखिए हमारी सबसे स्थिति खराब है हमारे पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, श्रीलंका से। इस पर ध्यान आप लोगों का नहीं जाता है कि हम लोग अपने पड़ोसियों से भी कई मामलों में पिछड़े हुए हैं। समझ में आए? विश्व बैंक के आंकड़े हैं, देख लीजिए, चीन पूर्व एशिया का प्रशांत, सब सहारा अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, कैरिबियाई, दक्षिण एशिया, ये सब सहारा अफ्रीका इस तरह से। चीन में देखिए, ये आपका दक्षिण एशिया है और चीन की स्थिति ये आपकी, ये आपकी लेटिन अमेरिका हो गया, ये आपका चीन हो गया, ठीक। क्षेत्र अनुसार निर्धनता की संख्या 1.90 प्रतिदिन डॉलर के हिसाब से मिलियन, देखिए सब सहारा अफ्रीका में, फिर आपका दक्षिण एशिया में लेटिन अमेरिका, पूर्व एशिया, फिर आपका चीन, इस तरह से। बात करते हैं निर्धनता के कारण की। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारों को नष्ट कर दिया और वस्त्र क्षेत्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1990 के 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रवृत्ति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों में पर असफलता के कारण निर्धनता का चक बना रहा। आप समझिए कि चीन और भारत तो लगभग समय
एक ही समय लगभग आसपास ही आजाद हुए। लेकिन देखिए, चीन कहाँ पहुंच चुका है और हम कहाँ रह गए हैं। इसमें हमारे नेताओं की या हमारी योजनाओं की भी तो इसमें कमी रही है, नहीं रही है कि दोनों देश एक समय पर आजाद होते हैं और एक देश कहाँ रहता है, दूसरा देश कहाँ पर। आप कह सकते हैं कि जनसंख्या, तो जनसंख्या एक वजह हो सकती है निर्धनता का, तो जी हो सकती है, लेकिन चीन को उसकी जगह रखिए। कई देश हैं जिनकी जनसंख्या देखे फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या को दोषी नहीं ठहरा सकते हम लोग। जैसे आपके यहाँ अभी काम करने वाले जनसंख्या का 50% एक अच्छा खासा जनसंख्या है, आप उसे काम दे सकते हैं, उसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी होगी और देश की तरक्की में भी योगदान देंगे। लेकिन आप उन्हें शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो वो देश की तरक्की छोड़िए, वो देश पर बोझ बनकर रह जाते हैं। वो इंडिया की यही हालत है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों के से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। वो निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारा जा सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों का की आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धन राशि की जरूरत। चूंकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋण ग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि एक किसान सेठ से कर्जा लेता है, उसका कर्ज पर इतना अधिक ब्याज चलता है कि वो उसे कभी नहीं चुका पाता है। पर आपका निर्धनता नियोगी निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है और ये रहा है आपका 1947 से ही रहा है, लेकिन अभी तक इसके सॉल्व नहीं किया जा सका। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारक है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं रही। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5 यानी कि 3.5% की औसत से बढ़कर 1980-90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि
और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सहित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षाकृत से बहुत कम है। निर्धनता पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है, कृषि पर आश्रय रहता है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे आप लोग मनरेगा बोलते हैं, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो ये स्थिति थी आपकी। इस स्कीम के तहत अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% रहा है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। इन राज्यों में एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए से 168 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बिहार झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी योजना की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। आप देखते होंगे योजनाएं ऊपर से चलना अलग बात हो जाती है और हकीकत नीचे तक आना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो यही हालत रहता है। अभी आप गांव की स्थिति जाकर देखिए कितने लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्य निःशुल्क उपलब्ध कराए जा सके। एक बार NIEGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाए, यानी कि वे अपना रोजगार श्रम स्वयं उत्पन्न कर सकें, ठीक है। फिर आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ आपका 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। फिर आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ
जिसका 1999 में किया गया था। याद रखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या का 1993 में प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के यानी कि अपना रोजगार सृजित करने का मौका देने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, ये 1995 में लाई गई, इसका उद्देश्य भी आपका ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। और फिर है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वराज स्वरोजगार योजना, ये आपकी 1999 में आई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। इस कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए, उनके कम प्रभाव होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चय करने की कमी रही, और एक सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी रही। क्योंकि अभी भी आप लोग जानते हैं कि मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का रोजगार तो दिया जा रहा है, लेकिन कितने लोग जानते हैं गांव में कि मनरेगा के तहत उनका हक है कि 100 दिन उन्हें रोजगार मिलेगा। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहता है। मैंने खुद देखा है कई जगह इस तरह का, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है नाम का कि मनरेगा इस तरह की कोई योजना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई लक्ष्य आपका सक्सेस हो सकता है। याद रखिए, स्वच्छ भारत अभियान का सक्सेस होने का एकमात्र कारण ये है कि जागरूकता बढ़ी लोगों में, तभी स्वच्छता में, वरना अकेले ना तो प्रधानमंत्री को उखाड़ पाते ना ही कोई और। इसलिए वो सक्सेस हुई क्योंकि इससे देखा होगा आपने, नीचे से नीचे का तबका भी इससे आकर जुड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। भावी चुनौतियां क्या हैं इसके सामने? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निर्धनता के व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उचित आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपने भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या फिर घर है या फिर स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या फिर रोजगार की सुरक्षा है या फिर आत्मविश्वास? याद रखिए, ये सभी कारक जहां मौजूद होंगे वहां स्थिति आपकी सही रहेगी, फिर चाहे वो केरल हो, अमेरिका हो या फिर चाहे आपका कोई अन्य देश हो। क्योंकि जहां शिक्षा होगी, इस तरह के बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, वहां के लोगों की जिंदगी स्वाभाविक है कि अच्छी रहेगी और वो देश भी आपका प्रगति करेगा। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी पिछले थे? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत में तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा
निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, ये और भी बड़े काम होंगे। इसका सारांश क्या हो सकता होता है? आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम सामान्यतः इसके निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणा के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विश्वास विस्तार कर रहे हैं। एक बात आपको हमेशा रखिए, जिस परिवार का मुखिया, फिर चाहे किसी देश का मुखिया, दूरदर्शी होगा, दूर की सोच के चलेगा, वही देश तरक्की कर सकता है, याद रखिए हमेशा। अब आप सोच सकते हैं, जब आपका कोरोना वायरस चीन में आया, चीन के बाद अन्य देशों में फैलने लगा, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए था और अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर लेनी चाहिए थी। यानी कि ये तो उसी जैसा हुआ हाल कि हम तब तक उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक कि वो समस्या में डस ना ले। अब देख सकते हैं आप लोग कितना भारी, कोई लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ रहा है और केस बढ़ते जा रहे हैं, वापस नॉर्मल सब होता जा रहा है, तो अब और भी केस बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। और अभी कल एक मैं किसी न्यूज पेपर में पढ़ रहा था कि जो मजदूर लौट रहे हैं, जो श्रमिक दिल्ली से बाहर लौट रहे हैं, उनमें से चार में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव में भी कहीं से मजदूर आ रहे हैं और उनकी चेकिंग होती है, तो उनमें भी एक चार में से एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका तीसरा चैप्टर। क्या था तीसरा चैप्टर? इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा सकते हैं आप लोग, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से अपने पास रख लें। क्या होता है इससे कि आप लोग आगे कभी टाइम मिलता है तो रिविजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी रहेगी। लास्ट चैप्टर आपका बचता है चार, इसमें बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था कक्षा 9वीं की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत और समकालीन विश्व 1 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर है 14, भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। अगर कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक एक हो सके तो पढ़ लें, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, कक्षा 9वीं से 12 तक की जो भी बुक्स है आपकी एनसीईआरटी की, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। समझ में आए? तो वैसे तो मेरी सलाह है कि कक्षा 6वीं से ही आप लोग पढ़ें, जिससे क्या है, एक बेस बहुत मजबूत हो जाता है। और बहुत पतली पतली है कक्षा 6वीं से 8वीं तक की, और नॉर्मल बुक्स हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी गई हैं, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें भी पढ़ लें। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा का सीधा सा मतलब आप ले सकते हैं कि उस तक सबकी पहुंच हो, सबके लिए भोजन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा है क्या आखिर? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से?
खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न, खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ होता है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए खाद्य पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है आखिर? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं नीचे की तबका के लोगों की क्या हालत हो सकती है। निर्धन गरीबी से ऊपर के लोग प्रभावित होते हैं तो गरीबों की हालत तक जान सकते हैं। और फिर एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे भारत में कोई भी समस्या हो, फिर चाहे आपकी प्राकृतिक जनित हो या मानवीय, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित आपके नीचे तबके के असहाय ही लोग होते हैं। ठीक, ये आप लोग दिनचर्या में भी अपनी देख सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा कर था कि आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर सेन ये हमारे इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अमर सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा, हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। इन्होंने हकदारियों का भी प्राय राज्य या फिर सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्न पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1995। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। आगे बात करते हैं किसी आपदा के समग्र समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या फिर लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। यहाँ आप मांग और पूर्ति का नियम लगा सकते हैं, यानी कि जिस चीज की मांग बढ़ेगी स्वाभाविक है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। क्या होगा? मांग बढ़ेगी। जैसे आप ही सोचिए, एक पेन है, वहां खरीदने वाले 10 हो और एक ही पेन हो तो उसकी कीमत वो दुकानदार बढ़ा देगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी तरह किसी भी चीज की अगर मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ी जाती है। अगर मांग बढ़ जा कीमत बढ़ जाती है तो वही लोग खरीद पाएंगे उसे जो सक्षम होंगे, जो सक्षम नहीं होंगे वो पिछड़ जाएंगे। इसी तरह से भोजन के लिए भी होता है कि खाद्यान्न अगर नहीं खरीद पाएंगे लोग तो पिछड़ जाएंगे, भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल, सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों
तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधि क्षमता में गिरावट होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का काल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मारे गए थे। अब आप भी अभी समझ सकते हैं कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोग कौन से मारे गए? गरीब। वो बीमारी यानी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण नहीं मारे गए, वो इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उनके लिए घर पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं थी और वो घर से निकल चुके थे। तो कुछ लोग ट्रेन से कटकर, कुछ लोग गली चलते चलते मर गए। तो समझ सकते हैं, यहां से आप लोग एक कॉमन सेंस लगा लिया करिएगा। चलिए मान लेते हैं कोरोना की तो दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, इसलिए उसे नहीं रोका जा सकता है उससे होने वाली मौतों को, लेकिन लोगों को खाना उपलब्ध कराकर भुखमरी से तो रोका जा सकता है। पहले इससे तो निपट लीजिए। कहते हैं कि डेली के हजारों लोग मरते हैं भूख से। जब आप इससे नहीं रोक सकते तो आगे क्या करोगे? जैसे आप भी समझते हैं जिसकी वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, वो मजबूरी है हमारी, लेकिन जिसकी वैक्सीन है कम से कम उसे तो रोकी है। बंगाल प्रांत में चावल की उपज 1938 में, उत्पादन 85 टन, कुल उपलब्धता 1,85,000 थे 1943 में, उत्पादन 76 लाख, आयात 0.3 लाख और कुल उपलब्ध 79 लाख। ठीक है, राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 में। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार देख सकते हैं। चित्त में यह हालत दिख रही तो सामने से क्या होगी? कभी आप लोग अगर बेहतर समझना करे आपको किसी भुखमरी या गरीबी को, तो किसी बस्ती की जैसी जहां गरीब लोग रहते हैं वहां उसका चक्कर लगा लिया करिएगा। पता चल जाएगा कि वो बहाने बनाते हैं, क्योंकि कई लोग घर में बैठकर बड़े बड़े इन्हें मजबूर बताते रहते हैं, इनके बारे में हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो कभी यहाँ जाकर देख लिया करिएगा, पता चल जाएगा। परियोजना कार्य, भारत में अकाल संबंधी और सूचना एकत्रित कर सकते हैं। बंगाल में भारत में बंगाल जैसा काल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान के वारण जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें पता है उसके परिवार में 6 मेंबर होते हैं, 4 बच्चे और वो उसकी पत्नी। तो पति पत्नी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि भूख से मर रहे थे बच्चे और वो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद मीडिया पहुंचती है, उसके पास फिर आपके विधायक पहुंचते हैं, फिर मंत्री साहब पहुंचते हैं। तो पता है आपको कि मीडिया और विधायक नेता जो होते हैं ये सब निपटने के बाद ही जाते हैं। आप ही सोचिए, उसके पहले पहुँच कर वहाँ अगर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता तो वो मौतें होती, उन्हें रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था? लेकिन नहीं, उससे पहले नहीं, जब तक दुर्घटना ना घट जाए तब तक कहाँ हमें मालूम चलता है। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की
दृष्टि से सुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है: भूमिहीन जो थोड़ी बहुत या फिर नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी लोग। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रयास कम वेतन वाले व्यवसायों अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। एक कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हुए हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी, इससे आपको सीख मिलेगी, ध्यान से पढ़िए। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेती मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 1,000। आप सोचिए, ये साल के 1,000। रामू के भी 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुन हरी भी पशुओं की सफाई करने, गोबर हटाने का काम अंशकालीन करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले 0.5 लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में हुआ अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती और उसकी आमदनी बढ़ जाती। कृषि एक मौसमी कार्य, रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। जब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है, कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या फिर गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध और तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू किसी कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना ये कहां आगे बढ़ने की सोच पाते होंगे, हैं? कहां बच्चों को पढ़ाने की सोच पाते होंगे। जब पेट भरे तब तो उसके बाद कोई सोचे आगे की। अब अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलिया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसके प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल, उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश, अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का PCPDS कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों की उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। आप समझ सकते हैं कि रिक्शा चालक है अहमद, और अभी कोरोना में भी आप लोग करंट की घटना से जोड़ सकते हैं इसे। अब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ है। इसका परिवार किस पर निर्भर था? रिक्शा पर।
यानी कि इसकी कमाई का जरिया केवल रिक्शा था। अब सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा, तीन भाई, दो बहनें, बूढ़े माँ बाप, यानी कि आठ लोग हो चुके टोटल। आठ लोगों ने कैसे 2 महीने निकाले होंगे, आप ही सोचिए। मतलब इतना 2-4 मिनट निकाल के इतना दिमाग लगाइए कि सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, 2 महीने इसने कैसे निकाले होंगे, तो रिक्शा में कितनी कमाई होती है, समझ सकते हैं आप। ये हालत है हमारी देश की। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। जो महिला कुपोषण से प्रभावित होगी उसका आने वाला बच्चा भी कुपोषण से ही शिकार होगा, कुपोषण का। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ है। ये सरकारी आंकड़े हैं, आप हकीकत समझ सकते हैं, ठीक ना। अब सोचिए कि केरल क्यों आगे रहता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में जो महिलाओं के लिए, महिलाओं क्या सबके लिए वहाँ खाद्यान्न उपलब्ध है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध है, स्वास्थ्य उपलब्ध है, और यही तो मानव की जरूरत है। अगर इसे ही उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, फिर चाहे वो गरीब हो अमीर हो। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी की दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या फिर गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होते हैं। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है, जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इसी तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम होता है, यानी कि असक्षम होता है। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसम में साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। देखिए ये आपकी ग्रामीण है, ये शहरी है। 1983 की स्थिति देख लीजिए और ये आपकी 1999-2000 की स्थिति। इसी तरह शहरी में आपका 1983, 1999, 2000 की स्थिति देख सकते हैं। क्या थी ग्रामीण की बात करें अगर, तो हम लोग
1983 में आपकी 16.2 मौसमी प्रतिशत, दीर्घकालिक 2.3 यानी कि 2.3 और कुल 18.5। शहरी की इसी समय बात करें तो 5.6, दीर्घकालिक थी 0.8, कुल थी 1.6.4, मतलब शहरों में कम थी। ठीक, पंजाब का एक किसान HIV YV विकारों वाले गेहूं के खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है, और हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा पंजाब और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को ही तो हुआ था। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी अनाज और चावल में, सर्वाधिक वृद्धि हुई जो स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में ये लाभकारी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन, वर्ष 16-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो 26.87 और 17.79 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो आपकी 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में। बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम के विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक कहते हैं कि जब भुखमरी से कोई मरता है तो हमारे पास इतना खाद्यान्न उपलब्ध, इतना सड़ जाता है, अगर उसे बांट दिया जाए तो वो भुखमरी से क्या 2-4 साल वो जिएंगे उसी खाद्यान्न पर, इतना हमारे पास रखा रखा खराब हो जाता है। कृषि निगम कल्याण भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में, ये वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, ये आपकी वार्षिक रिपोर्ट चेंज होती रहती है तो इसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए। देख सकते हैं आप लोग 1961-62 में देख सकते हैं 80 करोड़ टन, उसके बाद आप लोग 2016-17 में पहुंचिए 275.68 टन, मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं बफर स्टॉक क्या होता है आखिर। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है।
खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। आप लोग ने देखा होगा सोसाइटी में, या आपके यहाँ जहाँ कोटा होता है वहाँ बेची जाती है, आपके यहाँ जो गेहूं होता है उसे सोसाइटी में या कोटा में दिया जाता है। तो यही तो बफर स्टॉक है, यही लोग जाकर फिर इसका भंडारण कर लेते हैं। फिर वापस जब आपका कोटा से वितरण होता है तो उसे बेच दिया जाता है, यानी कि गरीबों के लिए भेजा जाता है, या फिर कहीं आपदा पड़ रही हो, प्राकृतिक आपदा हुई हो, मानवीय, तो वहां भी आपका मदद की जाती है इसी से। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर साल खरीदा जाता है मौसम बाई मौसम फसल। पर आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांव, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाले वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाद्य खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार, पितामह, इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी और चावल निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ राशन कार्ड होता है तो आप इस तरह की लाभ या फायदा ले सकते हैं। ठीक है, राशन कार्ड के 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, यानी कि गरीबों में से फिर और ज्यादा गरीब हैं उनके लिए आपका अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोग कभी गए होंगे खरीदने के लिए, देखा हुआ इस तरह। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के काल पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक में के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतरक्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले ही से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। फिर था एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। काम के बदले अनाज FFW 1977-78 में प्यार, पहले से मनरेगा के तहत भी आपका काम के बदले अनाज दिया जाता था। इस वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने में के बढ़ते अनुभवों के आधार पर कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं स्पष्ट रूप से घटक खाद भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कर कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। आप समझ सकते हैं, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से गरीबी 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 चिल्लाते आ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सका, गरीबी नहीं हट सकी। ये आप सोचने वाली बात होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छा प्रयास किया था, पता है, पहले हम लोग अमेरिका से बहुत बड़े स्तर पर खाद्यान्न आयात करते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही सुधार होने लगा था इसमें। लेकिन गरीबी किसी भी हद तक कम नहीं हुई।
फिर चाहे कोई भी पॉलिटिशियन आया हो, यानी कि आपका देश का प्रधानमंत्री आया हो, क्या है कोई सफल ही नहीं हुआ है? पता नहीं, अब जो भी उनका रहा हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति की बात करें हम लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था पहले, यानी कि ये सार्वजनिक प्रणाली गरीब हो फिर चाहे अमीर हो, दोनों लोगों के लिए उपलब्ध होती थी। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के करीब 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली IPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 के से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 सन 2000 में दो विशेष योजनाएं, एक आपका अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। ये योजनाएं के अनुसार गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित थी। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारंग आपका सारणी 4.3 में दिया गया। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्य उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुए। इससे देश की अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होना होता है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की कीमत में यानी कि वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की। देख लीजिए इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। योजना का नाम, आरंभ कवरेज, लक्षित समूह, अद्यतन मात्रा, निगम कीमत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक सर्वजन यानी कि सबके लिए। इसमें गेहूं आपका 80 रुपया किलो, गेहूं 2.34 यानी कि 2.34 रुपया प्रति किलो, चावल 2.89। फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, इसमें पिछड़े ब्लॉक के लोगों को शामिल किया गया। आगतन मात्रा 20 किलोग्राम खाद्यान्न था। गेहूं की क्रय रहा है इसमें 2.80 रुपये, चावल का आपका 3.77। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 से निर्धन और गैर निर्धन BPL APL परिवारों के लिए। इसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध था। BPL गेहूं 4.45, चावल 5.65, APL गेहूं के लिए गेहूं आपका 6.10 रुपया किलो, चावल आपका 8.30 रुपया प्रति किलो। अंत्योदय योजना 2002 में, इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन व्यक्तियों को चुना गया। इसमें भी आपका 35 किलो खाद्यान्न मिलता है, गेहूं 2 रुपया किलो और चावल 3 रुपया किलो। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई है, सन 2000 में दीन वरिष्ठ नागरिक 10 किलो खाद्यान्न ये निःशुल्क दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, योग्य परिवार 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, गेहूं 2 रुपया किलो, चावल 3 रुपया किलो और अनाज 1 रुपया किलो। समझ सकते हैं, इस तरह थी आपकी योजना। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके।
इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर इसकी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे का अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक इसकी मौजूदा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। देखिए, बफर नॉर्म और एक्चुअल स्टॉक, ये आपका बफर नॉर्म है, ये आपका एक्चुअल स्टॉक है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवारों को 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। आपने देखा होगा कई लोगों की अभी भी BPL कार्ड उन लोगों के जो सक्सेस हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब गरीबी रेखा में दूर दूर तक नहीं है, फिर भी उनके 4-5 भाई हैं अगर घर में, तो उनके चारों पांचों के आधार कार्ड यानी कि BPL कार्ड है, वो इस योजनाओं का फायदा लेते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास रहने के लिए अच्छा मकान भी नहीं है, जो वास्तव में गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई साधन नहीं है। क्या होता है कि छोटे स्तर पर जब भी ये काम रहता है किसके हाथ में, सरपंच, सेक्रेटरी, तहसीलदार, तो ये लोग घपला करके सब कुछ करते रहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये की है भ्रष्टाचार, ये ना कभी खत्म होने वाला है ना हो रहा है। हमारे वो अन्ना हजारे उठे थे पर वो बैठ गए, पता ही नहीं चलता है उनका। सहायकी की यानी कि सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब आज इस तरह से ले सकते हैं। सिलेंडर का आपने देखा होगा कि जहां से आप लोग खरीदते हैं वहां से सिलेंडर आपका 700 रुपये में मिल रहा है, उस पर सरकार आपकी 200 से 300 सब्सिडी दे देती है। तो 700 रुपये आपको देने तो पड़ेंगे उसे, लेकिन क्या होगा, वो 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, इस तरह से सब्सिडी हो जाती है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के विवरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाजों के वितरण से हालात सुधरे, इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रख रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्य दो फसलों जैसे गेहूं व चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि में विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन होते हैं, धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा होता है। यानी कि जहाँ लोगों को फायदा होगा वहाँ उसी फसल को बोएंगे लोग। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ जाती है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडार लागत से ने इसे और बढ़ा दिया। एनएसएसओ ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-5 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2012-11-12 में हो गया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएफ चावल की खपत 2004-5 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई है, नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-5 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाजों का पड़ा रहना आम बात, जो बिक नहीं पाता, यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या फिर गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे, हाँ उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वाले परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे परिवारों की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब तीन भिन्न भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुली बाजार में, इसलिए राशन की दुकान में से इन चीजों को खरीदारी के लिए उनकी बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सरकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या है? भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है, एक तरह से समाज सेवा होती है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति रही है। गुजरात में दूध या फिर दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सरकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से
उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिशें रंग ला रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। ये आपका इस अध्याय का सारांश दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा अब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है, भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता है। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा भाग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत सैनिक। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीब है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां जमा रखा जाता है यानी कि स्टॉक किया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं आपके, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लें। तो ये थी आपकी कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की अर्थशास्त्र की बुक्स। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कल से भारत और समकालीन विश्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और हमारी बुक्स होती है, वो है आपकी विज्ञान। उसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं में पहुंच जाएंगे। कक्षा 6वीं से शुरू की थी, कक्षा 10 12 तक हम लोग चलेंगे, ठीक है।